पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी फ़ौज को रोज नए झटके से देखने को मिल रहे हैं। पहले तो नवाज शरीफ की तरफ से झटका है जब उन्होंने अफगानिस्तान के NSA से लंदन में बात की, और उसके बाद पाकिस्तानी फ़ौज को एक और झटका मिला है कि नवाज शरीफ के मंत्री ने POK से बोला कि भारत हमारी मदद के लिए आए। इससे पता चल जाता है कि पाकिस्तान की फ़ौज और वहाँ की सरकार की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो गई लोगों की नज़रों में, कि वो दूसरे देशों से मदद मांग रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हालात इतने गंदे हो चुके हैं कि वहाँ की सरकार और फ़ौज अपने लोगों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। सड़कों पर लोग निकल आए और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, और कोई भी लोग संतुष्ट नहीं अपनी सरकार के काम से। जिस वादे किए थे 3 साल में मैं ये कर दूंगा, 1 करोड़ नौकरियां दे दूंगा, सबके घर बना दूंगा, उसमें से कोई सा वादा पूरा नहीं हुआ। बस इमरान खान इसी वजह से बचा हुआ है क्योंकि फ़ौज उसका साथ दे रही है, और ये ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं है क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, पाकिस्तानी आवाम दुखी हो चुकी है, उनको रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए भी बहुत कड़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है, और धीरे धीरे उनकी हिम्मत जवाब देती जा रही है। और साथ ही साथ अमेरिका और इंडिया का प्रेशर इतना है कि वो इसे टैकल करने में उनकी क्षमता ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि इतना दबाव आ रहा है तालिबान की तरफ से, इंडिया और अमेरिका की तरफ से। अब पाकिस्तानी सरकार को कोई रास्ता नहीं दिख रहा, इसीलिए रोज़ पाकिस्तान के अंदर से ही आवाज़ उठ रही है पाकिस्तानी फ़ौज और सरकार के खिलाफ, और ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान में ग्रेजुएट जैसे हालात बन जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।